मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई बीएल वर्मा जी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल के अध्यक्ष डॉक्टर ग्वारको जी, मंच पर उपस्थित सभी का नाम उल्लेख करना चाहिए, इस प्रकार के विशिष्ट योगदान वाले बैठे हुए महानुभव। मैं इसलिए नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि समय काफी गया है, मगर इस सब संस्थाओं के जो अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं, इन्होंने देश के सहकारिता आंदोलन को यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए 2100 से ज्यादा सहकारिता आंदोलन के सभी नेता, सभी सहकारी बंधुओं, बहनों और देश भर में कई जगह ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरी शुरुआत मैं पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती से करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय, उसकी कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है, हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। उसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मित्रों, सबसे पहले आजादी के 75 साल के बाद और ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। इसलिए एज आ एक सहकारी कार्यकर्ता भी और आप सब की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारिता आंदोलन का अनुमोदना जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं फिर से एक बार देश भर के करोड़ों सहकारिता के कार्यकर्ताओं के ओर से, सहकारिता की नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी ओर से एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रुचि का जो विषय है, देश में सबसे पहला सहकारी मंत्री बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज यहां जब हम खड़े हैं और एक नई शुरुआत सहकारिता आंदोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की शुरू होने जा रही, उस वक्त मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर, आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ें। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं,
उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते, उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन इरिलेवेंट हो गया है। मैं बहुत मन से और बहुत मक्कमता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है, और बहुत बड़ी मंजिल अभी काटना बाकी है। हर गांव में कोऑपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समृद्धि, ये मंत्र से हर गांव को समृद्ध बनाना और समृद्ध गांव के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होती। सहकारिता शब्द सह और कार्य, ये दो शब्दों से बना हुआ है। मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हम हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की, हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत बहुत कम होगी, आर्थिक ताकत भी शायद हमारी कम होगी, मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, अगर इसको एक बार कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं तो एक प्रचंड ताकत की निर्मिति होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता। और ये भी आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है, ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग 25 साल से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। छोटे से छोटी इकाई से लेकर राज्य कक्षा की बड़ी इकाइयों तक मैंने काम किया है। मैंने देखा है कई सारे संकट आते हैं, सरकारें सर्कुलर निकालती है, परिपत्र निकालती हैं, परिपत्र का मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मगर हमारे सहकारिता आंदोलन वाले कोई परिपत्र की राह नहीं देखते। बाढ़ आती है तो गांव की पैक्स वहां खड़ी हो जाती है और सबको खाना खिलाने का काम करती है, उनको आसरा देने का काम करती है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक कितना मुनाफा खर्च हो जाएगा इसका चिंता नहीं करता, डिविडेंड कितना कम हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करता, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश ज्यादा आई हो, बाढ़ हो, वो काम के लिए एक मुस्त होकर सब खड़े हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन ने इस देश को ढेर सारे संकटों में यहां पर बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिए नहीं है, 1904 से लेकर आज तक भारत ने सहकारिता आंदोलन ने ढेर सारे मकाम देखे, बहुत चढ़ाई ऊंचाई को भी हमने देखा है। कभी हम गिरे, कभी संभले, कभी आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, कभी धीरे हुए, परंतु ये गति नहीं रुकी।
और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये गति नहीं रुकनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सहकारिता आंदोलन को बल देने वाले माधवराव गोडबोले, वैकुंठ भाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विठलराव विखे पाटिल, यशवंतराव चौहान, धनंजयराव गाड़गिल और लक्ष्मणराव इनामदार जैसे कई लोगों को मैं याद करता हूं और इसको प्रणाम कर उनके आशीर्वाद से यह आंदोलन को एक नई गति देने के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों, जो लोग आज भी मुझे, कई लोग मिलते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी मिलते हैं और साच अर्थ में मुझे पूछते हैं कि सहकारी आंदोलन रिलेवेंट है क्या, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्या, क्या सिद्ध होगा। मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ था। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फर्जियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने दो प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया जिसमें 80 किसान जुड़े हुए, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहां है, 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000 करोड़ को पार कर गया है मित्र, 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपीस उसको पार कर गए। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का प्रबंधन ये हमारा कोऑपरेटिव संस्थान करता है। इसके अंदर 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं और विशेषकर महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है। मैंने तो गांव में देखा है, गुजरात में शनिवार को जब महिला के हाथ में अपना चेक आता है या कैश आती है, इसके चेहरे पर हर्ष देखकर मन को बहुत अंदर तक शांति होती। 36 लाख किसान परिवारों को अमूल आज अपने साथ जुड़ा है। 18 जिलों का ये फेडरेशन है, 87 से ज्यादा डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंधन क्षमता 39 मिलियन तक की प्रबंधन क्षमता आज बनाई। इंस्टॉल कैपेसिटी 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़ी कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती, ये हमारे अमूल ने कर दिखाया है। और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। लिज्जत पापड़, बहुत कम लोगों को यहां पर भी मालूम होगा, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव 1959 में जसवंतीबेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने 80 बहनों को साथ में रखकर एक कोऑपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और 80 करोड़ निर्यात करती है। 45,000 महिलाएं लिज्जत के कोऑपरेटिव आंदोलन से जुड़ी है और ये सक्सेस स्टोरी देश भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल है तो देश की महिलाओं का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, दूध भरने में भी और पापड़ बनाने भी। इपको जो आज हमारे यजमान है, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एमडी अवस्थी भी बैठे हैं, इपको ने इस देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोऑपरेटिव्स के साथ एक स्पेसिफाइड सोसाइटी बनी और वो बढ़ते 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 आज 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव को मेंबर बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचा दी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर कुछ कमाएगी तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा इसके मालिक के पास जाएगा और इसको जो कुछ भी कमाएगी इसका पाई पाई ये 5.5 करोड़ किसानों के घर में जाएगा। इसी को कोऑपरेटिव कहते हैं। आज इपको ने
लगभग देश के उर्वरक की पूरी जिम्मेदारी दो तीन से और कोऑपरेटिव को साथ मिलकर उठाई। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा चेयरमैन साहब और एमडी जी का, अवस्थी का, कि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतार कर बहुत बड़ा काम किया। और इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से ही आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि उर्वरक खाद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा उर्वरक हमारे देश में भी बढ़े। इसी तरह से क्रिप्को भी लगभग 9,500 समितियों का बना हुआ एक संघ है, उसकी मूड़ी शेयर प्रदत्त मूड़ी लगभग 388 करोड़ है, शेयर धारकों को एक साल में 2118 करोड़ रुपए का लाभांश क्रिप्को ने दिया है, आप इससे कल्पना करिए। ये सब सक्सेस स्टोरी है। और इतना ही नहीं है, बहुत लंबी सूची है, नेफेड है, मैं मणिपुर गया था, रेणु हथकरघा हस्तशिल्प 75 साल से एक लय के साथ वो कोऑपरेटिव में अपना योगदान करता है। 1925 से चलती हुई उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति केरल, थोटा मार्ता सहकारी संघ द्रावणगिरी कर्नाटक, कोझिकोड जिला सहकारी हॉस्पिटल, ढेर सारी चीजें जिन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से कैसे छोटे छोटे लोगों से पूंजी इकट्ठा कर देश के अर्थतंत्र और देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, और सभी मुनाफा वो छोटे छोटे निवेशकों के घर में कैसे जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। मगर आज लगभग सारे संस्थानों के कर्ता धर्ता यहीं पर है, प्रबंध निदेशक है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी कुछ करना बाकी है। क्या बीज संस्करण में हमारी ये सफल कोऑपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकती है क्या? अच्छे बीज क्यों विदेश से लाने पड़ेंगे? बीज के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं क्या? कोई कोऑपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट कर किसानों की उपज को निर्यात करने का ट्रेडिंग हाउस नहीं बन सकती है क्या, जिसके माध्यम से छोटी छोटी मंडियां अपनी उपजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर सके? निश्चित बन सकती है। फूड प्रोसेसिंग का दुनिया भर में पूरा बाजार पड़ा है, छोटा किसान नहीं कर पाएगा और किसी को रुचि भी नहीं है, और करेगा तो भी किसान तो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ये हमारे सफल कोऑपरेटिव एक एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपेंशन का काम करे तो मुझे विश्वास है कि 5 साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कोऑपरेटिव की पैठ नहीं होगी। और सहकारिता मंत्रालय इसीलिए बनाया है, कोऑपरेटिव को मजबूत करना है, कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ाना है, कोऑपरेटिव के अंदर पारदर्शिता लानी है, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है, और ये स्पर्धा में टिक जाए, इस प्रकार की स्पर्धा में टिकने वाली सफल कोऑपरेटिव बनाना है। ये सारी चीजों को करने के लिए ही हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, आप सब लोग कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मगर जब तक जामवन ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी आप रामेश्वरम से लंका तक समुद्र लांग सकते हो, उनको विश्वास नहीं था। जब जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, समुंदर तुम लांग सकते हो, हनुमान जी ने खुद का लगाया और समुंदर लांग गए। मैं आपको क्या बताऊंगा कोऑपरेटिव क्या है, आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी कोऑपरेटर है, परंतु मैं आज कुछ चीजें इसलिए बताना चाहता हूं जिससे हमारी स्ट्रेंथ का हमें परिचय हो। मित्रों, लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कोई न कोई कोऑपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके 51% गांव में कोऑपरेटिव की उपस्थिति। सहकारी समितियों की संख्या 8,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं। लगभग क्रेडिट सहकारी समितियां
8.5 लाख से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऋण न देने वाली सहकारी समितियां 7 लाख से ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ 17 से ज्यादा है, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है, जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और लगभग 95,000 में से 63,000 पैक्स काम कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो हर 10वें गांव पर एक पैक्स है। मैं आगे बताऊंगा, ये संतोषजनक स्थिति नहीं है, मगर हर 10वें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकड़ों का जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का, ये पैक्स ही माध्यम है सरकार जो कम ऋण से लोन भेजती है किसान के लिए, ऋण का पैसा भेजती है उसको पारदर्शी तरीके से उसके साथ पहुंचाने का, ये पैक्स ही माध्यम है उसको खेती के लिए उपयोगी चीजों को पहुंचाने का, ये पैक्स को मजबूत करना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। मैं अंत में पैक्स पर बात करूंगा और प्रतिशत योगदान अगर मैं बताना चाहूं तो कृषि ऋण वितरण का 29% वो कोऑपरेटिव व्यवस्था से जाता है, उर्वरक वितरण 35% कोऑपरेटिव करता है, उर्वरक का उत्पादन खाद का उत्पादन वो भी लगभग 30% करता है, चीनी का उत्पादन देश की कुल चीनी की लागत का उत्पादन 31% कोऑपरेटिव चीनी मिले करती है, टकली स्पिंडल 29%, दूध की खरीदी और उत्पादन 20%, गेहूं की खरीदी 13% कोऑपरेटिव करती है, धान की खरीदी 20% करती है और मछुआरा के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का योगदान 21% है। मैं इसलिए आंकड़े कहता हूं मित्रों कि एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पर आज हम खड़े हैं। अब समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना। ये प्लेटफॉर्म जो हमारे पुरखों ने, भारत के कोऑपरेटिव आंदोलन के पुरखों ने हमें दिया है, वो प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम यहां हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सहकारी कार्यकर्ता, और इसीलिए मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन का गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना की। हमारी सफलता चार ही चीजों पर निर्भर हो सकती है, संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये चार मूल सिद्धांत है, अगर हम सब अपने कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की, और इसका एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय ने। मित्रों, कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूर परिवर्तन लाया। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी, स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा MSP तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों,
मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया, 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट DBT से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है, 10,000 नए FPO बनाए गए हैं, लगभग 6,865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है, ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंच पाए। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया है, कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसका कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर चलेगा, किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना। इसलिए किसी ने भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है, हम मदद सबकी कर सकते हैं, राज्यों के भी करेंगे, सबको साथ में लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में होगा। बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई, हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सरकार नीति, पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021-22 में। ये आजादी का 75वां साल है, अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे। पैक्स को मजबूत करना, 63,000 पैक्स 6,00,000 गांवों के बीच में कम है, हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए, पैक्स की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3,00,000 तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा और वो एडवाइजरी होगा, स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन करे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक पैक्स बैंकरप्ट हो जाता है, जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है नया पैक्स बन नहीं सकता है, इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो पैक्स को साइड पर रखकर वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो, इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भारत सरकार करने के लिए बहुत कम समय में एक योजना लेकर आएगी। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की भी कवायद चालू करी है जो पैक्स, DCB और नाबार्ड तीनों को जोड़ेगा, एक ही सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग सिस्टम पैक्स की, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की और नाबार्ड की एक लय के साथ होगी और सब भाषा में होगी, स्थानीय भाषाओं में होगी। मित्रों, पैक्स को FPO बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है इस पर मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। मेरा आग्रह है सहकारिता प्रशिक्षण पर, सहकारिता प्रशिक्षण को और पैना करना पड़ेगा, प्रोफेशनल करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं वो सारे एरिया के स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा कॉरपोरेट्स होता है मगर उसका उचित उपयोग करना, इसके लिए भी मेरा मंत्रालय एक कार्य योजना बना रहा है। क्रेडिट सोसाइटियों की भूमिका और मजबूत और नीचे तक ले जाने की जरूरत है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्योहार है और 1,000 रुपया किसी को चाहिए त्योहार मनाने के लिए, इनकम है मगर आज नहीं है कि
क्योंकि दो महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको 1000 रुपया मिल जाए, उसकी दीपावली अच्छी जाए, इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी नीचे तक बननी चाहिए। ये कोई बैंक नहीं कर सकता, बैंक कागज मांगेंगे। अरे भाई, इसके पास कागज होते तो 1000 रुपया लेने को काहे को आता, वो कागज नहीं है। हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां जो छोटे छोटे लोन देती है, दो आंख की शर्म से देती है, और मैं मानता हूं इसको हम नीचे तक मजबूत करने का काम करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड में भी पैक्स की भूमिका कुछ राज्यों में अभी तक बनी नहीं है, इसको हम बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सिर्फ अल्पकालीन ऋण नहीं, सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कोऑपरेटिव की भूमिका बढ़ाने के लिए सभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ सहकारिता मंत्रालय काम कर जमीन पर प्रायोरिटी लेंडिंग सभी प्रकार के कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, इसके लिए हम करेंगे। जैसे स्व सहायता जूथ, आज तक देश में स्व सहायता जूथों ने अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी नहीं बनाई। ये अमूल जो है ना, ये स्व सहायता जूथों का ही स्पेसिफाई सोसाइटी है। अमूल की तरह स्व सहायता जूथ हर राज्य में अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी बनाकर छोटी छोटी स्व सहायता जूथों ने बनाई हुई चीजों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए भी एक विशेष कानूनी प्रबंधन करने की जरूरत है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। मछुआरा सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमें पास है, इसका दोहन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते। छोटे मछुआरों के पास बड़ी बड़ी चीजें लेने का ना नेट लेने के पैसे, ना यांत्रिक बोट लेने का पैसा है, तो मछुआरा कोऑपरेटिव बनाकर उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे इसका मुनाफा सीधा मछुआरे के बैंक अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भी हमने काम किया है। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में जनजातीय सहकारी जो वन उत्पाद है, उसके लिए भी कोऑपरेटिव बनाकर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मित्रों, बुनियादी खाका सहकारी समितियों का और देश भर के हर राज्य के कानून के अंदर एक प्रकार की सिनर्जी हो, इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है। मुझे मालूम नहीं है सफलता कितनी मिलेगी, मगर हमारा इरादा नेक है, इसलिए विश्वास है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी और हम जरूर सफल होंगे। मगर आज इतने सारे सहकारिता आंदोलन के दिग्गज नेता आए हैं, उस वक्त ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और खुला सदस्य सभासद बनाने का खुला कार्यक्रम सहकारिता ने संस्थाओं ने करना पड़ गया। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, भर्ती में पारदर्शिता और चुनाव के अंदर पारदर्शिता, इसको हमने लाना ही होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम भी कालबाह्य हो जाएंगे। और हम सबका यह दायित्व है कि मोदी जी ने इस आंदोलन को गति देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया, और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिए और सहकारिता आंदोलन को एकदम गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन करने की जरूरत है, उस पर भी आत्मनिरीक्षण कर बल देना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता कॉमन सर्विस सेंटर की कल्पना भी हमारा मंत्रालय कर रहा है, नेशनल डेटाबेस के लिए भी हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, और नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी 4 जगह से दरखास्त मिली है। मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जगह कोई कोऑपरेटिव संस्थान बड़ा आगे आए तो अच्छा है। एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनाने की जरूरत है, कोई अपनी लेकर आए, दरखास्त लेकर आए तो जरूर अच्छा काम हो सकता है। मित्रों, 2-3 लोगों ने, चंद्रभान जी और बाकी सारे लोगों ने कुछ बातें दबे स्वरों में कही है, मैं उनको इतना कहता हूं कि आप न बोले होते भी चलता, बोले ये भी अच्छा हुआ, मुखर कर बोलते तो भी अच्छा हुआ, मगर ये सारी चीजों की मुझे मालूमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूं। कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के प्रॉब्लम,
भेदभावपूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपात, ये सारी चीजों से मैं अवगत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, इतना भरोसा है। और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है, और इसीलिए सहकार से समृद्धि का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सम विकास होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास के मॉडल के अंदर सबको छूने की ताकत होनी चाहिए, और विकास का मॉडल सबको समाहित करने की बाहें फैलाकर खड़ा हुआ मॉडल होना चाहिए, और वो कोऑपरेटिव के अलावे संभव नहीं है, इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई। चीनी मिलों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कई जगह हमारे त्रिस्तरीय एग्रीकल्चर फाइनेंस के ढांचे को डिस्टर्ब करने की भी बात हो रही है। मैं इन सब में बहुत अभी कुछ स्पष्टता से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विचार चल रहा है, सबसे चर्चा भी करना है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप जरूर मुझे लिख कर भेजिए, जरूर लिख कर भेजिए, छोटी से छोटी चिट्ठी को मैं ध्यान से पढ़कर इस पर उचित निर्णय करूंगा, मगर लिख कर नहीं भेजेंगे तो भी मैं सामने से संपर्क कर आपकी तकलीफों को समझकर उसके निवारण के लिए प्रोएक्टिव रहूंगा। और ये मोदी जी की इच्छा है, देश का प्रधानमंत्री जी का ये मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना, और हर समृद्ध हुए परिवार के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि के मंत्र का रहस्य है, और हमें इसमें जी जान से लगना है। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा और मेरे साथी मंत्री जी का आपने स्वागत किया, डॉक्टर साहब भी अर्जेंटीना से पधारे हैं यहाँ पर, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत की सहकारिता क्षेत्र, भारत का सहकारी आंदोलन देश भर में गुड प्रैक्टिसेस साझा करने का, एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। आप इनिशिएटिव लेकर ऐसी कोई संस्था भारत के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाइए जो दुनिया भर की गुड प्रैक्टिसेस के, कोऑपरेटिव गुड प्रैक्टिसेस के एक्सचेंज का माध्यम बने। हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मन की इच्छा है कि सहकारिता के आधार पर भारत की अर्थनीति के विकास का एक नया अध्याय लिखा जाए। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए सहकारी क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभानी होगी, और सहकारिता को हमने संस्कार बनाना होगा, और महत्वपूर्ण भूमिका जो हम निभाएंगे वो आने वाला देश, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज देश भर से ऑनलाइन आंकड़ा जो संचालिका महोदया ने कहा, लगभग मेरे खड़े होने के पहले 4.25 करोड़ ऑनलाइन लोग ऑनलाइन जुड़े थे, बहुत सारी समितियां भी जुड़ी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जुड़े हैं। मैं सभी सहकारिता आंदोलन के आंदोलनकारियों को बहुत बहुत मन से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि नई ऊर्जा के साथ सहकारिता आंदोलन को एक नए प्राण भरने की कवायद जो मोदी जी ने करी है, हम सब साथ में मिलकर इसको सफल बनाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी से अनुरोध की करतल ध्वनि के साथ केंद्रीय गृह एवं भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तक पुनः अपना अभिनंदन, अपना आभार जाहिर करें। सरकार से समृद्धि। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य संकल्प और संघर्ष।